सरकारे वारिस ज़मानत वास्ते मिलकर सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अलैहि वस्सलातु अला वालेहा। अम्मा बाद फकत कौल अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ذات يوم استكبرت الكعبة صلوات जिंदा सलामत रहो। 12-14 वसत का हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारी जितने मोमिन मोमिनात शरीक पुरसो खालिक तुला कदम कदम सा इबादत शुमार फरमाए। चार दा मासूमीन दस्तका बानिया ने मजलिस जुमला मरहूमीन खसूसन मरहूम नासिर साहब, मरहूम उस्ताद तालिब हुसैन गजर अब्बास खालिद जवारे करीम करबला जगह का। चार दा मासूमीन दस्तका खालिद माल रिस्क ईमान बरकत अता फरमाए। साडे अज़ीज़ को जिक्र करीम करबला बहुत बड़ा मकाम अता हर सिख दे मवाली को 14 रज़ावार बना और सारे वारिस बरहक हजरत हुज्जत अलैहिस्सलाम का जल्द फरमाए। तो कुछ सरकार का सच्चा नौकर बना तौफीक अता सलवात का बड़ा अवसर। किताब का नाम है अनवारुल हिदाया। रावी मेरा चौथा इमाम। सरकार ज़ाता यौमिन इक दिन इस्तकबरत अल काबा, काबे दी दीवारां चों, काबे दीयां कब्रां चों एक आवाज़ बुलंद थी, मम मिसली इस कायनात इच मेरे बराबर दा कोई घर ही। अना बैतुल्लाह फिल आलमीन। 14,000 आलम दे विच मैं अल्लाह दा वाहिद घर हूं। दीवार दी आवाज, कंध दी आवाज कौन सुने? उस जात सुनी जेड़ा मालिक काबा है। मौला इमाम हुसैन दे जाकिर मेरा अपना एक कबीदा है। इतना बनते नहीं जेड़े जाकिर मौला दे मदा खान दी बरसी है। कल जुमेरात है। भाई मरहूम मरहूम आदमी दिल मतलब इजाज हुसैन लोरी 8 बजे पुरखानी जिंदगी का इतना ही पता जेड़ी जिंदगी को असा तमाशा कितना खुश नसीब है बंदा जिहड़ा हुसैन दी मोहब्बत है। काफी सारे बंदे मजलिस दे विच दुआ मंगदे ने, मेरा अल्लाह उहदे गुनाह माफ फरमा। मेरे 6वें इमाम फरमाया केड़ा गुनाह हस सरकार दुनियादारी है केड़ा केड़ा गुनाह? सरकार फरमाया मेरी निगाह च इको गुनाह है, वो है चौना दी दुश्मनी। out there too. सरकार फरमाए बाकी जितने उनके मसाइल हैं उन्होंने शिफात जाने चौदह जाने सिर्फ असा 14 नाल मुखलिस थी के रहे। तो काबे दी आवाज कहीं सुनी मालिक के काबा आवाज कुदरत काबा इस्तकबार तकबर की थी। तो पता नहीं मैं को नबियां दा तकबर ही चंगा नहीं लगता। मैं को कह दी मैं पसंद नहीं आज मेरे खाले के तकबर नहीं। मैं इस कायनात भी तेरा उड़िया घर है पर मैं तू मेरा घर है घर आंदा रिहाइश वास्ते तू महदूद मैं ला महदूद याद कर करेंगी जदा दा बनवाए मैं रात तरिज गुजारी है वो जो है मेरे रात दे मैं मुहर्रम दी मजलिस घट पढ़ता लेकिन जदी इस साल सवाब दी मजलिस जाकरी रिश्ते च मेरा वड्डा बिरा है ई वास्ते मेरा दिल आखे में चंद लफ्ज आख जट्टी ना भोगा ते ए मसाइल ही पैदा ना करा जदू इबादत ए मुकम्मल ते बतबाई शुरू है। मेरा खालिक क्या तेरा घर कोई नहीं तेरी जात का कोई घर नहीं असद काबे को तेरा घर समझा कायनात गर्दना झुकदियां फरमाया मेरी मर्जी मैं आदम तो झुकावा मेरी मर्जी है मैं काबे तो झुकावा है मेरा खालिक आखिर तेरा कोई घर फरमाया उसे नहीं फी कुलूबिल मोमिनीन अगर मैं रहना चाहवा हाँ समा सका हाँ तो मैं को जड़ा घर पसंद है वो है मोमिन दा दिल। मोमिन दा मेरे खालिक सारे आबा बुजुर्ग भाई अजीज अगर तेको मोमिन दा दिल पसंद है ये फरमा केड़ी केड़ी चीज नाल को सजावन पर मैं इन चीज़ों तो बेनियाज हाँ। इन्ह लोगों को जड़े ई वेले आराम छोड़ के करीम करबला दी मजलिस चाहे बैठन तेना को दसा चाह करे सजावना चांदन ते निगाह रखन बैतुल्ला ते काबा ते मक्का मुअज्जमा ए निगाह रखन जेको जेको मैं काबे चो कर छोड़ा है दिल चो कर छोड़ा है जेको 13 दी रात दीवार शक करके मैं वसा छोड़ा है दिल च वसा छोड़ा है। यार 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 तो जे ऐ मेरा खालिक नहीं थोड़ी जी वजाहत फरमाना क्या कायनात दे विच कोई बई जगह कोई घर जड़ा मैं को बुलंद होवे फरमाया काबा तक नो 1 लाख गुना ज्यादा बुलंद मकाम बनाए चौथे आसमान ते जकू बैतुल मामूरादन मस्जिद तेरी नकल तू भी असल नहीं तू उंदी नकल जड़ा चौथे आसमान ते है तेरा तवाफ वो करंदन जड़े गुनाह बख्शा वनांदन उत्था वो रांदन जड़े मासूम हैं उन्होंने म्यार दा मैं अल्लाह ने पेश नमाज गोले बतूल दा पुत्रे उनकी उम्र वधाई वैना उनकी जिंदगी वधाई वैना उतने तक वधाई रखसा जे तक उको बुलंद मरतबा बतूल दा पुत्र आके उको नमाज ना पढ़े सी जागदे बैठे हो। ऐ मेरा खालिक बैतुल मामूर चौथे आसमान ते मैं कुन लख गुना ज्यादा बुलंद पर मैं तुसा दुआ दे दर्जे जमा करा 1 लाख गुना ज्यादा बुलंद मेरा अर्श इन 3 मकाम दे दर्जे जमा करा लख गुना ज्यादा बुलंद कुर्सी लहो कलम पर मैं तुसा सारे दे दर्जे बुलंद इस सारे दे दर्जे जमा करके इन्हां को 1 लाख गुना ज्यादा बुलंद एक मकाम है जो दुनिया की जबान करबला जय मकाम को करबला जन्मदा खालिक करबला। पर मैं करबला मकामे इस कायनात दे खल्क करन तो 24,000 नूरी साल पहले कोई शे नहीं। और इतना नूरी साल की बहस मैं शुरू करा तो इतना MA MSc बैठे वो समझते में नूरी साल ये नहीं होता बशरी साल तो नूरी साल रोशनी की स्पीड गलबा नहीं। मैं पढ़े लिखे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं पर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर वाला मिनट मिनट तो घंटे घंटे तो दी दी तो साल 24,000 नूरी साल। इस कायनात तो पहले 4 ज़रबे 4 मुरब्बा मील खिता बनाने का नाम रखे में करबला। आज जो ये करबला एक वक्त आसी को मोहल्ला बनावन वाला आसी कायनात दो मोहल्ला होसन एक में अर्श मोहल्ला होसी करबला मोहल्ला होसी जागदे बैठे हो फरमाया इस कायनात हर शह को फना है बकाए दसन करबला है। मेरा ख्याल है करबला इतनी राशि और मैं इतनी ना राशि जिन्हें हर शह खत्म थी वैसी क्यामत आ वैसी उस वेले जिब्रील को हुक्म दे सा खिता करबला को परा ते चाह अद खाक मेरे अर्श ते सट अद जन्नत दिया छत्तां ते ये खाक करबला सट तक इंदी वजह तो उन्हां दी अज़मत इजाफा थी। रब्बे औज़ानी मेरा खालिक थोड़ी जी वजाहत फरमा। और मैं काबा सोना मन दोफना फी हाज़िही तुरबा अरबी ओ मजलूम जबान में जेड़े वेले दा आया जय शुरू की थी याद नहीं उठा वकील जरा की थी जरा दमाना जख्म लाना जिन्हें केस लड़े हुए ना उन्हें पता है कि में एक बैद जरा करे करे मजरू आदन जख्मी को तो जी में अरबी के उते जरा पे थी है ना ये कोई इंसानी शक्ल जोई तो दिहाड़े क़यामत दे ऐसा मिंबर ले ना गरबान ना पैसे बेचारा तो को आंदी नहीं तो पढ़ा क्यों तवज्जो है मन दोफना फी हाज़िही तुरबा। और मैं कहा जेड़ा ई करबला दफन थी सी मैं अल्लाह दवा दे कबर हिसाब किताब न हो सी जितनी गलतियां हो सन माफ कर दे सा शर्ते दुनियावी गलतियां होवन 14 दा गुस्ताख न हो। बस गल इतनी खत्म जिंदा सलामत रहो तो सारा हक तो बनते सवाल करना मेरा खालिक करबला दा खिता 16 मुरब्बा मील ये जो एडी वड्डी कायनात है इतने मकसद रियायत कंसेशन उन्हें की थी ऐसा मखलूक और मैं मेरे कानून हटा लें। इस कायनात दे कफना दा मरकज बने सा करबला को जेड़ा करबला दा कफन पा के समसी मैं अल्लाह दा वादा 90,000 फरिश्ते पैदा करे सा जेड़े जिथा वन के दफन थी सन कफन उसी करबला दा उथों वो फरिश्ते चाह के उथा वन के दफन है सन जितना अकबर दा बाबा क्या मकाम करबला कितना खर्चा थे हुसैन दा करबला बनाने सा। अल्लाह जाने क्या ज़हन चाह बैनुल हरमैन जेडे कोई खुश नसीब जियारत करन मौला हर कंको नसीब करे दुआ सरदारा दे दरमियान जेडी जगह है बैनुल हरमैन सरंदन बड़ी खुली जगह है दिल विच एक हसरत पैदा थींदी है मौला जात आई क्या थी पोवे धी या भेण को कबर दी जा छदे यार आंदा है जवार गुजरे हा जेड़ा जवार गुजरिया सिर झुका के आखिया सैन कदे मजलूम बिरा दे बड़े अरमान अगर धी को कबर दी जा दे में आ तो लोग मुकान दे में ना दुहा को कबर दी जा मिली शाम पौने 2 साल दे अमन निभा के मदीने दे बाहर हूं 3 माह मला रुके अमन आखिमी एक मेरे दिल दी आवाज है जरूरी नहीं मैं पत्थर मारा तो कोई रोवे अदब दी नगरी दे लोगो अमन ई वास्ते अमन ये हन जिन्ना को याद करके 34 साल सजाद रात रोने तो दरबार महादी फरमाए लाभ के अन्ना अलैक बदलत दमू व दमन कायनात पानी रोसी मैं तेरी चादर को क़यामत तक रात रोसा ये अमन हन अजी कह को समझ ना आई हो वे तेरा वारिस पर मैं मेरा सलाम उन्हें मस्तूरा थे तमाजत आफताब दी वजह तू जिन्हों के चेहरे ते रंग बदल गए मदीने दे बाहरों निगाह पई मदीने ते सजाद केड़ा शहर है तमा मदीना तेरी सैंड तक मरसी है मदीना तो जद दे नाला तक बलीना वबिल हसरात वल अहज़ान जीना नाने दा शहर मैं को कबूल न कर मैं तेरे वसन के काबिल नहीं अल्लाह करवट करवट जन्नत अता करे सईद इमाम अली शाह मरहूम केड़ा प्यारा तर्जमा कीतस इस अरबी दे मरसिए दा शहर तो देख के आदि करिए हन वक्त इकबाल हजारा में दे जिन्हें शहर मदीने हो गई मैं को आप हुसैन सवार किता मेरे लख लख इज्जत थी अरमान है मेरे टुर गए शान सुजानन वाले अज वो गाली कित रही ना कर कबूल मदीना में को मैं उजड़ के आंधी पई सजा जी ये बशीर तो पूछा कद कान आप मैं लग दबाग सा अनबख्त इकबाल हजारा में दे जिन्हें शहर मदीनों गईया में को आप हुसैन सवार किता मेरे लख लख इज्जत थी अरमान है मेरे टुर गए शान सुजानन वाले अज वो गाली कित रही ना कर कबूल मदीना में को सजाद ये बशीर तो पूछा कद कान आबो का शायरन इन्हें बाबा जजलम शायर हा शायरी जानता है मैं जानदा पर मैं को गुरबत सदते एहसान लैनी कित्था शाम शाम तो मदीने पहुंचाई आखिरी एहसान ला सदे आवन तो पहले आज ये जुम्मेदारी लोग पे वेंदे असन जुम्मा पढ़न मदीने दे विच सदी आमद दी तला दे कोई शय ना लुकावे मेरी कैद ना लुकावे तेरा जरबा अकबर दी बर्छी कोई शाय न लुकावे लेकिन शाह अपना मदीने दे शहर च ये न दसे जो हुसैन दीदी अजा इन सोती सियालम सिया लिबास बशीर घोड़े दे सवार रेत दे जर्रे आग दे चिंगारियां पे बढ़ दन बशीरी में आसमान दो लिठा मेरा अल्लाह मैं भी बशीर याकूब दाओ बशीर जै इतला दी यूसुफ जिंदा है तख्ते घोड़े दी वाग चाहिए यदि मैं सामने लिटे खजिया का झुंडे नाल टिब्बे दे उते एक शहजादा खड़े 8-9 साल का कदम चेंदे रखते ही कह के वेले आसमान दो देख के आदे शाला हूं तवल्ला में ना कितने दी तसली देंदा रासा बशीर आदे मैं कुआंदा रिठस बात छोड़स मैं उनकी हालत दिठी मैं कि एडा गरीब है पैर ना लाइन कोई नहीं सर ते इमामा कोई नहीं बच्चे रहे तो महसूस थींदा गरीब नहीं कोई मजबूरी है यदि जो ही मेरा घोड़ा सामने गए शहजादा आगू आए सलाम कीतस मैं जवाब देता घोड़े दिवाग दे हाथ रखे मेरा नाम था या अम्मा चाचा कितों भी आना इराक इराक का कोई शहर तू कहंदा पुछदा है चाचा पुछां दस्से से आ शहजादा पुछ आदे मैं की हस्ती दे पुछदा हूं हस्ती दे हालात दे बाद मैं को सारा पता लग वैसी केड़ी हस्ती आदे जेड़ा आलम चाई वदाई दे चावण वाला किथे है शहजादा तेको की में पता है कहदा आलम है आदे जना तुरैन सरदार इयो मेरे बाबे अब्बास दे मूढ़े ते आ अल्लाह जान दे जना गाजी दा नाम है कदमा ते मथा लगे आदे गाजी दे बचड़ा तेरी यतीमी दे अरमान बाबा मारिया गई आदे मैं ये ते नहीं पूछा मैं ये पूछना चाहना मेरा सरदार सरदार दा पुत्र अकबर आदे शहजादा इथा ही नहीं मदीने रसे सा आ शहजादा तक सवार करा अदे नहीं जड्डा दे सरदार टुरन असल सवारियां छोड़ दितन नाल तुरदा आए चौक चारुकन सफेद लिबास मुसलमान वेंदे पंजुमा पढ़न बशीर में रिठया आला यसर बला मकाम लकुम बिहा कोतल अल हुसैन फदमई मिदरारो तुआरे चिट्टे लिबास हैं के जी रैयत हो तो जा सैनी कैदा निभा के वाले तुआरे सरदार मारे गए अल्लाह जान दे किसका के बशीर जान गए बच्चा दौड़े उठाए जितना दादी बैठी है दादी उजड़ गए हैं कोई कासेद आया खड़े आधे हुसैन मारे गए अकबर मारे गए मेरा बाबा अब्बास मारे गए है मेरा लाल ये गाल उची न कर मत उन्हें आवन तो पहले बीमार मर वजे है दादी मेरी सैन किथे अजे नाने दी कबर ते गई बैठी है आदि थोड़ी ना आसा जे थोड़ी मेरे को सजन न मिले सी इन तुरे उबैदुल्ला आवे मजार नाल मत्थे इनु अली दी दा कदम आए कुंड जुंगली पातिस अस्सलाम वालेकुम या जद्दा नाना बेरावा मोईदी दा सलाम पुत्रा मोईदी दा सलाम इयो जिया दर्द भरा वेड़ा जो मजार हलिए इनु मजार हलिए शहजादी मथा चाहे आदे उबैदुल्ला ए मस्तूर कौन है एक वन्याक उच्चे वेण न करे हुसैन दी थी पिया दी कोई तकलीफ ही तो मैं दुआ करा बच्चा दौड़े करीबा खड़े मजदूरी था उच्चे बहन न कर तैं सुन छोड़िया अली दीदी में चेहरे तो रिठे अदे इतना जो उच्चा न रोवा ए कोई शाम है अदे बीबी शाम नहीं ए मदीना है मेरी जुर्रत ही नहीं और सामने हुसैन दीदी बैठी है तू कौन है आदे उधर नौकर अब्बास दा पुत्रा बांधी बांधी मिट्टी ते बह गई गल च बां पाटस आओ मेरा यतीम बचड़ा मैं गैर नहीं तेरी वड्डी फूफिया तेरे बाबे दे अरमान अल्लाह जान दे मुकांडे कहटे करीबा खड़े बीबी इजे मस्तूर वैन कीते ए गैर नहीं तेरी वड्डी फूफिए अल्लाह जान दे 8 साल दी बतरी जी पुफी को मिली ते डेसेस तेरा बाबा मारिया गए तेरा अकबर मारिया गए जेने मुकान दीती सी जुदा थी पता ना लगदा इना चु बतरी जी केड़ी है इना चु पुफी केड़ी है पुफी अम्मा मैं सुन के सारे मारे गए मैं को दसा इन्ह मजदूरों के विच मैं निगाह की मेरे पालन वाली मां किथे और सामने देख दुख ते असगर दे झोले च आके रोंदी बैठी है करीब आ खड़ी अम्मा मैं को फूफी दसे तू मेरी मां है तो झोली बना पौने 2 साल दी सिकदी वधिया मैं सर रखा अल्लाह जान दे झोली बनी सर रखे तेरे रोवण की ते इहो फिक्रा काफी है चेहरे तो देखा दे अम्मा मैं सुने असगर मारिया गए अकबर मारिया गए सारे अंदर सोड़ा मैं ही एक मजदूर दे नाल लिठे मैं कुदसाओ तो मारे गए मेरी छोटी भेड़ किथे अल्लाह जान दे भेड़ दा नाम है मुंह मुर शाम दा मुड़े अदे आ भेड़ मिलण आई खड़ी आई।